इस वक्त की बड़ी खबर सहरसा से आ रही है, जहां हथियारबंद बेखौफ अपराधियों ने एक एडवोकेट को ताबड़तोड़ गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। सदर थाना क्षेत्र के भेलवा चौक के समीप की घटना है। जख्मी एडवोकेट की पहचान लीलाधर शर्मा के रूप में की गई है। जहां जख्मी एडवोकेट की पहचान लीलाधर शर्मा के रूप में हुई है, भेलवा गांव का रहने वाला है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। रोजाना की तरह सरसा व्यवहार न्यायालय में कामकाज खत्म करके भेलवा गांव लौट रहे थे। इसी क्रम में भेलवा चौक पर घात लगाए हथियार बंद अपराधियों ने एडवोकेट लीलाधर शर्मा को ताबड़तोड़ गोली मारकर घायल कर दिया। जख्मी अवस्था में घायल एडवोकेट को इलाज के लिए सहरसा मॉडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले के छानबीन में पुलिस जुट चुकी है। 7:30 बजे भेलवा स्कूल के पास लीलाधर शर्मा है, इनको कुछ लोग के द्वारा मारपीट एवं गोली मारा गया पैर और हाथ में। पूर्व सही लोग का विवाद चलता है। 2023 में मारपीट की केस हुई थी, उसमें कुछ लोग मुद्दा जेल में भी है। जैसा कि अभी बयान दिया जा रहा है, कुछ ही केस में कॉम्प्रोमाइज लगाने के लिए वो लोग दबाव दे रहे थे, चलो नहीं लगाए, उसी बात को लेकर आज वाली घटना घटी। क्या क्या स्थिति है अभी? स्थिति खतरे से बाहर है, हाथ पैर में गोली लगा है, सर में तलवार वगैरह या दबिया का चोट है। कितने गोली मारी? गोली 5 है, पैर में 3, हाथ में 2। थैंक यू।